इस मूवी का नाम है व्हाइट मेलोडी ऑफ डेथ 2011। ये कहानी है एक म्यूजिक डांसिंग ग्रुप की जिसमें टोटल 4 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम जून था और बाकी सारी उसकी दोस्ती थी, पर नाम की दोस्ती क्योंकि हमेशा एक दूसरे से मुकाबले में रहती थी। जल्दी थी पर फिर भी मिलजुल के काम करती थी, काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती है। पर हर जगह कॉम्पिटिशन मुकाबला इस कदर बढ़ गया था की हर जगह इनका शो फेल हो रहा था। कहीं भी इनके शो की कोई अहमियत नहीं बची थी। एक के बाद एक कॉम्पिटिशन में हार रहे थे लोग। उनके हालात इतने बुरे आ गए थे की अब उनका मानना था की कोई मेरा कोई मोजा हमें बचा सकता है। ऐसे में उनकी बॉस उन्हें एक दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट कर देती है जो एक काफी पुराना स्टूडियो था। 15 साल पहले यहाँ आग लगी थी जिसके बाद ये खाली ही था और अब उनकी बॉस को सस्ते में मिल रहा था तो फौरन उसे खरीद लेती है। अब ये ग्रुप अपना काम तो कर रहा था पर अब इन्हें एक ऐसे म्यूजिक की तलाश थी जो इन्हें पहले जैसा मशहूर करके वही मुकाम दिला दे। तो इस वक्त में इनके साथ एक इत्तेफाक हो जाता है। ये लोग जब स्टूडियो की सफाई कर रहे थे तो जून को एक टेप मिल जाती है जिस पर व्हाइट लिखा था, मतलब इस टेप में जो गाना था उसका नाम व्हाइट था। जो टेप को जलाती है तो वो गाना बिल्कुल सुना था, आज से पहले कभी ना सुना गया। उसे गाना काफी पसंद आया इसीलिए अपने बॉस को भी दिखाती है। इस गाने की वीडियो में कहीं भी गाने के मालिक का कोई नाम नहीं था, ना ही गाने का कोई रिकॉर्ड था। इसीलिए बॉस फैसला करती है कि अब इस गाने को ही अपनाएंगे। जिसके बाद ये लड़कियां गाने को तो कॉपी करती ही है, साथ ही इसके डांस की हर एक स्टेप मूव को भी कॉपी कर रही थी। ये गाना, ये डांस, हर चीज सिर्फ जून को ही काफी पसंद आई थी, बाकी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गाना तो फिर भी ठीक था, इसका जो डांस था कुछ उल्टे सीधे स्टेप्स हरकतों के अलावा कुछ भी नहीं था। पर सारी लड़कियों को ऐसा करना ही था क्योंकि उनके बॉस का ऊपर से और कोई रास्ता भी नहीं था। अगले ही शो में वो इसी गाने पर परफॉर्म करती है। ये गाना सभी को काफी पसंद आता है। रातों रात उनका शो हिट हो गया, हर जगह छा गए थे वो लोग। इस गाने से ना सिर्फ उनकी खोई हुई शोहरत वापस आई बल्कि कुछ बड़ी बड़ी जगहों से काम करने की ऑफर्स भी उनके लिए आने लगी। मगर उससे पहले इन लड़कियों का टारगेट एक चैलेंज, एक मुकाबले को जीतने का था जिसके बाद उनके अपने नाम का ब्रांड होगा, जो ब्रांड सबसे ऊपर होगा, जिसके बाद वो इतनी मशहूर हो जाएंगी कि टीवी एड्स पर भी काम करने के लिए उन्हें ऑफर्स आने लगेगी। लेकिन उससे पहले तो इसी गाने पर एक वीडियो शूट करना जरूरी था जो जाहिर है उन्हें इस गाने का मालिक बना देगा। पर यहाँ एक मसला था, अब तक तो ये लड़कियाँ स्टेज पर खड़ी होकर अपने अपने स्टेप्स करती थी, अपनी अपनी लाइंस गाती थी, लेकिन अब इन्हें एक ऐसे सिंगर चाहिए थी जिसका लीड रोल होगा, मतलब वो सबसे ऊपर होगी और बीच में खड़ी होकर गाना गाएगी। अब ये जगह हर लड़की पाना चाहती थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया उन सब में जेलिसी थी, खुद को दूसरे से बढ़ के समझती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। पर काफी सोचने के बाद एक लड़की को लीड रोल की सिंगर बना दिया जाता है क्योंकि वो काफी अच्छा गाती थी, पर ये गाना इतना मुश्किल था कि ठीक से वो इसे गा नहीं पाती। वो इतना डर गई थी, परेशान हो गई थी कि उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। उसकी असल में एक बीमारी थी जिसकी दवाई भी वो लिया करती थी, लेकिन आज टेंशन की वजह से वो एक महीने की दवाई एक दफा में ही नहीं लेती है। काफी कोशिश कर रही थी वो अच्छा गाने की, इसीलिए रात को भी वो स्टूडियो में ही रुकती है। कल फाइनल दिन था, उसे थोड़ा आराम करना चाहिए था, ये सोचकर जोरों से बुलाने जाती है। पर ये देखकर उसकी होश उड़ गई थी कि उस लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि इस सिंगर ने अपने सिर पर वो टेंशन सवार कर ली थी, साथ ही उसने दवाई भी वो ज्यादा ले ली थी जिसके बुरे असरात की वजह से उसने ये सब किया। पर इसी रात जून जब अपने ग्रुप की वेबसाइट चेक करती है तो उसे अपनी इसी सिंगर दोस्त की वीडियो मिलती है, जो वीडियो उसने इस गाने पर ही बनाई थी। वीडियो में गाना गाते हुए उसका चेहरा ठीक नहीं था बल्कि बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। ये चीज जून को काफी अजीब लगी तो इसीलिए वो इसे अपने दूसरे दोस्त को भी दिखाती है। उसकी दोस्त का कहना था कि किसी फैन ने इसे एडिट किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर अब उस सिंगर के बाद इस ग्रुप की दूसरी लड़की को चुना जाता है लीड रोल के तौर पर क्योंकि वो इस ग्रुप की सबसे प्यारी लड़की थी। लेकिन हैरत, जब से वो इस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी तभी से उसके चेहरे पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, उसकी आंखें लाल लग रही थी, अक्सर उसे उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगे थे जैसे कि उसका पूरा चेहरा खून में भरा हुआ है, अपनी हर तरफ भी उसे कोने कोन दिख रहा था। साथ में वो ये भी महसूस कर रही थी कि जैसे कोई सफेद बालों वाली लड़की मुझे डराने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस गाने की असल वीडियो में जो मेन सिंगर थी इन्हें लीड रोल, उसके बाल भी सफेद रंग की थी, तो ये लोग सारा का सारा उस गाने को कॉपी कर रही थी। तो फाइनल दिन जब परफॉर्मेंस से पहले वो नकली सफेद बाल लगाकर तैयार हो रही थी तो तभी जून देखती है कि उसे बहुत पसीना आया हुआ है। इस बारे में वो पूछते भी है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, जिस पर उसका जवाब बस इतना सा था कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना, शायद इसीलिए। उसका चेहरा दिखने से साफ लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। जब वो स्टेज पर गाना गा रही थी अचानक बेहोश हो जाती है, उसे भी फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि खूबसूरत दिखने की वजह से वो जो इतनी सर्जरीज करवाती है उस वजह से इसके जिस्म और दिमाग पर असर पड़ रहा है, फिलहाल उसे आराम की जरूरत है, वो कोई शो नहीं करेगी, कोई गाना नहीं गाएगी। अब ये तो डॉक्टर्स का कहना था, पर बेहोश होने से पहले उस सिंगर ने जो खुद महसूस किया था वो चीज तो बताई नहीं जा सकती। उसे लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ स्टेज पर और कोई भी है, जिस वजह से वो इतना डर गई थी कि उसके और ज्यादा पसीने छूटने लगे, आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। उसे फिर
धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे आसपास कोई बुरी ताकत है जो पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रखकर नोचने लगती है। इसलिए उसकी आंखें इतनी जख्मी हो गई थी। इस हादसे के बाद जुल्फा फिर वेबसाइट पर एक नई वीडियो मिलती है, वो भी अपने इसी सिंगर दोस्त की। इसका चेहरा भी पहले वाली सिंगर की तरह बिगड़ा हुआ था। इस मसले को सुलझाने के लिए जुल दोनों लड़कियों की वीडियोस को जोड़ती है और एक लाइन तैयार करती है जिसका मतलब बन रहा था जलन। जुल काफी घबरा सी गई, उसे ठीक नहीं लग रहा था और अगले ही पल उसे भी अपने आसपास सफेद बालों वाली लड़की दिखने लगी थी। जुल सोचती है कि कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जो अभी लीड रोल बन रही थी उसके साथ ही कोई ना कोई हादसा हो रहा था। इस सब के पीछे कोई ना कोई मतलब तो होगा। उसे अब लगने लगा था कि जरूर ये गाना कर्स्ड है, यानी कि इस गाने में कोई ना कोई तो बुरी चीज या बुरी ताकत है, क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि दोनों सिंगर्स जब परफॉर्म कर रही थी तो उन्हें पसीना आ रहा था। उन्होंने गर्मी का बोला था तो गर्मी तो आग लगने की वजह से होती है ना। फिर जुल को याद आता है कि 15 साल पहले इस स्टूडियो में आग लगी थी तो उस हादसे का जरूर इस सबसे कोई ताल्लुक है। इसीलिए वो अपने दोस्त को 15 साल पहले हुई उस हादसे की जांच करने का कहती है। अब इस ग्रुप की दोनों मेन सिंगर्स तो हॉस्पिटल में थी, इसलिए तीसरे ग्रुप के मेंबर को चुन लिया जाता है जो गाना तो बिल्कुल नहीं जानती थी पर काफी अच्छी डांसर थी। हालांकि जुल भी काफी अच्छी डांसर थी पर हर लड़की उसे तंग किया करती थी, नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो मेन नहीं बैक डांसर थी, यानी मेन डांसर के पीछे डांस करने वाली। वो इस डांसर जो लीड रोल बनी थी उसे गाना गाने से मना करती है तो वो डांसर ये सोच लेती है कि जुल क्योंकि बैक डांसर है इसलिए मुझसे जल रही है और मुझे गाना गाने से मना कर रही है क्योंकि ये जगह वो लेना चाहती है। इसीलिए वो जुल भी काफी बेइज्जती करती है। अब जुल ने उसे इसलिए भी मना किया था क्योंकि उसे इस डांसर की भी शक्ल बिगड़ी वीडियो मिल जाती है जो पहले दोनों लड़कियों की भी मिली थी, पर वो ये कैसे बताती कि ये गाना तो कर्स्ड है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। खैर अब वो डांसर रात भर प्रैक्टिस करती है क्योंकि मशहूर होने का ये मौका वो गवाना नहीं चाहती थी। मगर जब वो स्टूडियो आ रही थी तो उसे आईने में अपना भयानक अक्स दिखता है। उसकी आंखों और मुंह से खून आ रहा था, काफी भयानक लग रही थी वो क्योंकि चिल्ला रही थी। पहले तो उसे लगा कि ये मेरा वहम है, पर जब उसका ही अक्स एक लड़की में बदला जिसके सफेद बाल थे और उसने इस पर हमला करके डराया तो ये काफी डर गई। सुबह जब होती है तो जुल की दोस्त उसे इस स्टूडियो से जुड़ी कुछ जानकारी देती है जो छानबीन करके उसने निकाली थी, जिसके मुताबिक उन्हें पता चलता है कि 15 साल पहले जब आग लगी थी तो उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी जिसमें स्टूडियो का मालिक, डांसर्स, सिंगर शामिल थे। एक सिंगर लड़की भी जिसका नाम बिनी था, वो इतनी जहीन थी कि उसे इस गाने वाइट का लीड रोल बना दिया गया। उनकी पहली शूटिंग इसी वजह से होने से पहले ही रोक दी गई और अगला शो जिस दिन था उस दिन ही आग लगने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। गाने की एक वीडियो में एक लड़की गर्मी जलन जैसी बातें कर रही थी जो और कोई नहीं बल्कि बिनी ही थी, जिससे जुल और उसकी दोस्त को समझ लग जाती है कि जरूर उस दिन किसी ने जानबूझकर आग लगाई जिससे बिनी की भी मौत हो गई, क्योंकि वो कोई हादसा नहीं हो सकता। बिनी को ये लीड रोल बहुत मुश्किल से मिला था, अपनी बॉस को खुश करके उसने बहुत मुश्किल से ये जगह पाई थी, पर उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने जलन में आग लगाकर उसकी जान ले ली, इसलिए उसने इस गाने को कर्स्ड शराब दे दिया। यही वजह है कि जुल के ग्रुप के सिंगर्स के साथ हादसे हुए। जुल को यह भी पता चलता है कि जब आग लगी थी तो उसे कुछ दिन पहले एक बैक डांसर ने अपनी जान ले ली थी, मगर क्यों फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आती। जुल को भी ये चीज फिलहाल जरूरी नहीं लगी, जरूरी था बिनी के बारे में जानना और जुल की तीसरी साथी को बचाना। हालांकि जुल ने उसे मना भी किया गाना गाने के लिए पर उसने बात नहीं मानी। बाकी दोनों लड़कियों की तरह तीसरी के साथ भी हादसा हो जाता है। जब वो परफॉर्म कर रही थी तो एक भारी सा बोर्ड उसके ऊपर आकर गिरा जिससे वो काफी जख्मी हो गई, पर किस्मती से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी जान तो बच गई पर अब की बात वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। अब सिर्फ जुल ही बची थी जो अपनी दो दोस्तों के साथ मिलकर इस गाने को अच्छे से चेक कर रही थी, इस सोच के साथ कि शायद उन्हें कोई सुराग ही मिल जाएगी। इस गाने को शूट करने से पहले ही क्यों रोक दिया गया और बिनी के बदले के बारे में भी काफी कोशिशों के बाद उन्हें बस इतना पता चलता है कि फाइनल दिन से पहले बिनी जब इस गाने पर परफॉर्म कर रही थी तो बार बार वो अपने चेहरे को बालों से छुपा रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे। यहाँ बड़ी बात ये पता चली कि यही वजह थी कि शूट होने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया, मतलब किसी ने जलसी में बिनी का चेहरा बिगाड़ दिया होगा। मगर इसके बावजूद भी जब वो परफॉर्म करने से बाज नहीं तो किसी ने जानबूझकर स्टूडियो में आग लगाकर उसे मार दिया। और अब अगर वो जुल को बचाना चाहती है तो सबसे पहले ये पता लगवाना जरूरी है कि आखिर वो कौन था जिसने बिनी को मारा। इस सब में स्टूडियो के मैनेजर इनकी मदद कर सकती थी क्योंकि 15 साल पहले इस स्टूडियो के मालिक उसकी डेड थी। जुल उससे मिलने जाती है पर उसे तो बिनी का नाम तक नहीं पता था, वो बस उसे सफेद बालों की वजह से याद थी। वो कहते हैं कि हाँ सफेद बालों वाली लड़की आई थी मेरे डैड के पास लीड रोल पाने के लिए क्योंकि उसने ही वो गाना लिखा था और डांस का हर एक स्टेप भी बनाया था, पर बैक डांसर होने की वजह से पहले तो उसे लीड रोल नहीं दिया गया, पर जब सीनियर्स के कहने पर उसे लीड रोल मिला भी तो उसका चेहरा खराब हो गया। इस बात को उसे इतना दुख हुआ कि उसने अपनी जान ही ले ली। तो यहाँ जुल को पता चलता है कि बिनी ने अपनी जान ली थी, वो उसकी दर्द को महसूस कर रही थी। इस दर्द के साथ उसने एक गाना लिखा, इसके स्टेप्स बनाए, वो सब महसूस कर पा रही थी। यहाँ तक कि बिनी की आत्मा भी उसे नजर आने लगी जो उसे एक जगह की तरफ इशारा कर रही थी। जुल जब वहाँ चेक करने गई तो वहाँ बिनी के लिखे गए गाने व्हाइट के लिरिक्स अल्फाज का कागज पड़ा हुआ था जिसके मुताबिक बिनी ने खुद इस जगह को आग लगाई ताकि उसके साथ साथ सब खत्म
खत्म हो जाए। ऐसा हुआ भी, पर आज तक बिनी की आत्मा को सुकून नहीं मिला। उसकी आत्मा को सुकून देने के लिए जून उसका फ्यूनरल रखती है, जिसमें वो उसकी आखिरी निशानी व्हाइट गने की टेप को दफन कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब क्योंकि सबको पता चल गया है कि बिनी के साथ इतना बुरा हुआ तो अब उसकी आत्मा को सुकून आ जाएगा। इसलिए कि इनके साथ वो इस गाने को बिल्कुल ही बदल कर अपने अंदाज में इसका नया वर्जन बनाती है, खुद नए स्टाइल में इसे गाती है ताकि इस गाने को अपना नाम दे सके, जिसके बाद वो इस गाने को एक मुकाबले के शो में भी गाने वाली थी। उसने अपना हुलिया बिल्कुल बिनी जैसा ही बना लिया था, उसकी तरह ही सफेद बाल कर लिए थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसने दिल से इस गाने को अपना लिया है। उसकी दोस्त जून की इस कामयाबी पर खुश तो थी, पर पता नहीं क्यों उसे फिक्र हो रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है, आखिर कैसे ये इतना मुश्किल कर्ज इतनी आसानी से ही खत्म हो गया। वो दोबारा से असल गाने की वीडियो देखती है और उसे एक काफी बड़ी बात पता चलती है कि गाना बेशक बिनी गा रही है, पर गाने के अल्फाज उसके होंठों की मूवमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं, मिल नहीं रही, मतलब उसे फ्लिप सिंग कर रही है, होंठ हिला रही है, उसे ये नहीं पता कि गाना क्या है। जिससे यहाँ इस बात से पर्दा उठता है कि ये गाना असल में बिनी का नहीं बल्कि किसी और का है। उसे यहाँ बाकी की लड़कियों जैसी जून की भी वीडियो मिलती है, जिसमें उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था। ये देखकर जून की दोस्त घबरा गई, क्योंकि वो सही थी, ये कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ, जिसके हिसाब से अगली बारी जून की है। उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्रुप की बाकी तीनों लड़कियाँ जो हॉस्पिटल में थी, ठीक होने के बाद उन्होंने किसी और ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया था, पर आज जब उनका शो था तो पहले ही तीनों ने लीच पीकर अपनी जान ले ली। ये वीडियो जून की दोस्त देख रही थी, तो उन तीनों की लाशों के पास वो किसी बुरी आत्मा को देखती है जो अब जून को मारने के लिए जा रही थी। ये देखकर वो काफी डर गई, कॉल करके फौरन अपनी दोस्त जून को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, पर काफी देर हो गई थी। जून स्टेज पर थी, वो अपने शो को बीच में नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अब यहाँ जून को भी वो गर्मी बेचैनी महसूस होने लगी थी, उसे भी काफी पसीना आने लगा था। अब जून की दोस्त को उसे बचाना ही था, जिसके लिए वो मैनेजर की मदद लेती है और ग्रुप की इन चारों लड़कियों की शक्ल बिगड़ी वीडियोस को जोड़कर एक पूरी लाइन बनाती है, जो थी कि मेरी अंदर दिल में बहुत जलन हो रही है। ये देखकर उसकी दोस्त सोच भी पड़ जाती है कि अंदर जलन आग में जलने की वजह से नहीं होती, बल्कि ब्लीच ये ऐसी कोई जहरीली चीज खाने या पीने की वजह से होती है, जैसा कि उन तीनों लड़कियों ने किया ब्लीच पीकर। पर बिनी की मौत तो आग में जलने की वजह से हुई, जिसका मतलब था कि इस सब के पीछे बिनी नहीं बल्कि एक दूसरी लड़की थी जो 15 साल पहले बैक सिंगर थी, और उसकी ही मौत कोई जहरीली चीज पीने की वजह से हुई थी। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि बिनी के चेहरे पर जो नकलों के निशान थे वो असल में थे ही नहीं, मतलब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, निशान बस कैमरे में नजर आ रहे थे। जो उनकी दोस्त जब इस वीडियो को स्लो मोशन इन्हें आहिस्ता करके देखती है तो पता चलता है कि वो निशान असल में लाल रंग है, जो धीरे धीरे एक आत्मा पर रूप ले रहे थे, एक पूरी आत्मा बन जाती है जो इस ग्रुप के साथ बिल्कुल बिनी के पीछे बैक सिंगर की तौर पर गाना गाने लगी। यानी यही वो लड़की वो बैक सिंगर थी जो इस सब के होने की वजह थी। ये देखकर जो उनकी दोस्त को इस बैक सिंगर की जलन वाली बात याद आती है और उसी फिर सारी बात समझ में लग जाती है। तो अब यहाँ पता चलता है कि ये व्हाइट गाना असल में उस लड़की बैक सिंगर का था, उसने इस गाने को लिखा और सारे स्टेप्स बनाए, पर बाद में बिनी ने उसे गाना चुरा लिया, उसे मार कर जुल्म करके उसका चेहरा बिगाड़ दिया, क्योंकि बिनी जानती थी कि खराब चोरी की वजह से लीड रोल तो उसे कभी नहीं मिलेगा। और इस बात की गम में उस बैक सिंगर ने ब्लीच पीकर अपनी जान ले ली। महीने से पहले उसने इस गाने के कुछ लिरिक्स लेकर ये जलन वाली लाइन बनाई, जिससे ये गाना हमेशा के लिए कर्ज हो गया, जिसके मुताबिक जो भी इस गाने को गाएगा वो मरेगा ही मरेगा। इसके बाद बिनी ने इस गाने को गाने की कोशिश की, पर शूट को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि असल वजह ये थी कि उस बैक सिंगर की आत्मा भी स्टेज पर आ जाया करती थी। बाद में जब बिनी ने इस बात को समझा और इस गाने के लिरिक्स को जलाना चाहा तो साथ ही जलने की वजह से उसकी भी मौत हो गई, पर गाना और उसके सारे लिरिक्स रह गए, वो नहीं जले। अब जून ने इस बात को समझ तो लिया था, पर तभी इस कि असली मानी उस बैक सिंगर ने आकर बाकी लड़कियों के साथ साथ उसकी भी जान ले ली। उसकी दोस्त ने काफी कोशिश की थी उसे बचाने की, पर नहीं बचा पाई। जून के मरने के बाद वो इस गाने से जुड़ी हर एक चीज को तबाह कर देती है आग लगाकर, यहाँ तक कि कंप्यूटर से भी सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देती है। पर पता नहीं कैसे असल गाना उसके कंप्यूटर में ही रह जाता है, क्योंकि उस गाने को डिलीट करना नामुमकिन था, जो हो ही नहीं रहा था। उसके साथ साथ इस कर्ज को रोकना भी, जो रुकेगा नहीं बढ़ता जाएगा, और जो भी इस गाने को गाएगा वो मरेगा ही मरेगा। इसी चौंका देने वाली बात के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।